हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल जो है sp.net का जो कंट्रोल है ड्रॉप डाउन लिस्ट, मैं उसके बारे में बताऊंगा आज आपको। ठीक है, तो जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट देख रहे हैं, मैं इस कंट्रोल के बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे ये कंट्रोल वर्क करता है, कैसे हम इसमें डायनेमिकली वैल्यू सेट करेंगे। जी हाँ, तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है और इसमें एक पेज जो मैंने एक ले लिया है, पेज मैंने लिया हुआ है, इसका नाम डिफॉल्ट रखा हुआ है और ये इसका डिज़ाइन व्यू है। मैंने यहाँ पे sp.net कंट्रोल ले रखा है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ। मेरा टेक्स्ट है कि सेलेक्ट एनी नेम। ओके, ये ले लिया मैंने सेलेक्ट एनी नेम। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस के बाद एक यहाँ पे एक इमेज कंट्रोल ले लेता हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने सेव कर लिया डिजाइन व्यू। जी, तो मेरा जो टास्क है, मेरा टास्क ये है कि मैं ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू सेलेक्ट करूँगा। हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हम बनाने ये चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स से कोई वैल्यू सेलेक्ट करूँ तो क्या हो, वो फिर जो वैल्यू का नाम हो, सपोज अगर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैंने कुछ किया नहीं हुआ है, अभी ये जो आउट आप देख रहे हैं ब्राउजर पे मेरे, तभी तो ये एम्प्टी है पूरा, अभी मैंने कोई वैल्यू भी नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्ट करूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जैसे ही मैं कुछ सेलेक्ट करूँ तो ये जो इमेज बॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे कोई इमेज शो होनी चाहिए। तो यही सारा चीज़ होगा कैसे, और इसी पे हम आज वर्क करेंगे। तो करें, तो चलिए आप इसी क्या करते हैं, यहीं पर डबल क्लिक करते हैं, फॉर्म के लोड इवेंट पे आ गए। फॉर्म के लोड इवेंट, ड्रॉप डाउन लिस्ट को दे देना चाहता हूँ। तो इसके लिए फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, ताकि फॉर लूप क्यों लगाएंगे, ताकि ये जो एरे बना हुआ है इस एरे में से एक एक वैल्यू निकालेंगे और ये वो एक एक वैल्यू हम किसको दे देंगे, मतलब एक एक नहीं सारी की सारी वैल्यू, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं सारी की सारी वैल्यू हम क्या किसको असाइन करना चाहते हैं, ये सारी की सारी वैल्यू मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को असाइन करना चाहता हूँ। तो फिर अब मैं शुरू करता हूँ एक लूप, फॉर लूप। तो फॉर इंटीजर आई जीरो, आई इज लेस देन str डॉट लेंथ, ओके सेमी कॉलम एंड आई प्लस प्लस, एंड इसके बाद अब ये लूप चलेगा। जब ये लूप चलेगा तो एक एक वैल्यू होगी क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट आइटम्स डॉट एड, आइटम्स डॉट एड ऐड कर देते हैं, सारे के सारे आइटम हम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करेंगे इसमें, str i, ठीक है, आई की एक एक वैल्यू बढ़ती रहेगी तो एक एक एलिमेंट क्या होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड होता रहेगा। ओके, तो हमने इसे सेव कर लिया, हम आउटपुट देखते हैं। इस पेज को मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या एक एक वैल्यू आ गई, सारी की सारी वैल्यू आ गई, BMW, सर्वलेट, बुगाटी, रेंज रोवर, ये सब कार के नाम हैं, सारी की सारी वैल्यू जो थी वहाँ पर आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई वैल्यू सेलेक्ट करूँ एक इमेज यहाँ पर शो हो, इस पर्टिकुलर एरिया में एक इमेज शो हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ये करना पड़ेगा कि हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, इसका एक इवेंट होता है, कैसा इवेंट होता है, उस इवेंट के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करके इंटर मार दो। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ये एक इवेंट होता है, ये इवेंट इसका आ जाता है। अब इस इवेंट पे हमें फिर से क्या करना है, हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू